यहाँ पे बेसिकली निम्रे को कुछ बोला सुम्बुल ने, तो सुम्बुल ने बोला कि यार मुझे वो कंपनी ना बड़ा अच्छा लगता है। तो वहीं पे निम्रित ने अपने हकलाते हुए आवाज में ये कहा कि हाँ तो तुमने बोल दिया तो मैंने वो तुम्हारे नाम कर दिया, मेरी जान वो कंपनी तो है सब तुझमें कुर्बान। तो वहीं पे शिव ने बोला रुक जा तू इतना अटकती क्यों है हिंदी बोलने में। बोले यार मेरा वोकैबुलरी ना हिंदी में ज्यादा ना तेज नहीं है। तो पता है शिव ने क्या भड़कदार जवाब दिया है, उन्होंने ये कहा कि तू क्या अंग्रेज की औलाद है जो तेरी इंग्लिश की वोकैबुलरी स्किल्स फास्ट है बट हिंदी करने। बोले नहीं यार वो ना मैं हिंदी बचपन में पढ़ती थी ओके, फिर जब मैं लॉ का पढ़ाई करने लगी तो मोस्ट ऑफ द मेरा हेयरिंग जो सेक्शन होता है वो पहले तो हिंदी में होता है, बाद में क्या होता है ना कि वो जो कोर्ट में वो लोग हम लोग को 60 सेकंड देते हैं और बोलते हैं कि इलेबोरेट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और हम लोग को बहुत जल्दी इलेबोरेट करना होता है। तो शिव ने कहा वेट अ मिनट सब चीज अभी स्टैंड को समझाने के लिए फटाफट हिंदी बोला और तुझे ये बात बोलने में हिंदी में हकला रही है, अबे तू ठीक से पहले सोच ले तुझे हिंदी ठीक से आती है कि नहीं आती है। बोले नहीं जब मैं कुछ बोलने जाती हूँ ऐसा होता है ना कि मेरे गले में वर्ड है बट जबान में आने के वक्त बहुत कांपता है, वैसे टाइप का मेरा कुछ हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि इंग्लिश तो हम लोग सभी पढ़े तो इतना तो वोकैबुलरी स्किल फास्ट होता नहीं है जितना ये लोग बताते हैं, और अगर हिंदी और इंग्लिश का वोकैबुलरी स्किल फास्ट हो भी जाए तो ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी मातृभाषा हिंदी ही भूल जाऊं। तो ये कॉन्सेप्ट तो मुझे एकदम समझ में नहीं आया, बट हाँ शिव ने काफी हद तक चपत्ती मारी और निम्रित ने बाद में क्या किया कि शिव को तकिए से पीटना शुरू कर दिया ताकि शिव और उनकी बेइज्जती ना करे। खैर आपको शिव का ऐसे किसी को रोस्ट करना कितना हद तक पसंद है मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइए। ऐसी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके बाय।